ध्यान दें, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर आपका 5 चला है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन हेरिडिटी, जिसमें पार्ट नंबर 9 चल रहे हैं। टॉपिक 2 आज आपका है बार बॉडीज है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि बार बॉडीज किसे कहते हैं। सर्वप्रथम इसका अध्ययन, सर्वप्रथम बार बॉडी का अध्ययन मुरे, आई, बार एंड एडवर्ड जी वर्टर्न नामक वैज्ञानिक ने 1949 में किया। एक बार पुनः देखेंगे, बार बॉडीज का अध्ययन मुरे, आई, बार एंड एडवर्ड जी बर्टन 1949 ईस्वी में किया। इन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियों, कुछ बिल्लियों की कोशिका में, कुछ स्त्री एवं कुछ बिल्लियों की कोशिकाओं में किया अध्ययन। उन्होंने मादा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं, मुख गुहिका की श्लेष्मा में, मुख गुहिका की श्लेष्मा तथा तंत्रिका कोशिका के केंद्रक कला से चिपका एक छोटा सा घन पिंड देखा गया, जो गुणसूत्र की भांति अभिरंजित हो जाता है, जो गुणसूत्र की तरह अभिरंजित हो जाता है। इसे शोधकर्ताओं ने बारकाय से संबोधित किया। अर्थात बार बॉडीज विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने, कुछ बिल्ली के झिल्ली के श्लेष्मक केंद्रकों में एक ऐसा चिपके हुए मांसपेशियों को देखा कि जिसमें इस प्रकार से संरचना दिखाई दिया, जिसे हम बार बॉडीज कहते हैं। कुछ मादा स्त्रियों की कई कोशिकाओं में यक्ष में से एक गुणसूत्र भिन्नता अथवा अक्रिय दशा को दर्शाता है, जिसे लिंग क्रोमैटिन कहते हैं, क्योंकि ये जो यक्ष है यही लिंग क्रोमैटिन कहलाता है। जबकि कुछ शोधकर्ताओं ने देखा कि बार का नर की कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन फीमेल की कोशिका में ये पाए जाते हैं। सामान्यतः स्त्रियों के रक्त के न्यूट्रोफिल के केंद्रक के साथ इसका अध्ययन किया और मुख गुहिका की श्लेष्मा, झिल्लियों की तंत्रिका कोशिका, केंद्रक कला पर आदि पर इसकी उपस्थित होना पाया, जिसे हम बार बॉडीज कहते हैं। इनके अनुसार लिंग गुणसूत्र काई कोशिका में जितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, बार काय की संख्या गुणसूत्रों संख्या से एक कम होती है। आइए स्ट्रक्चर में देखिए, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एक लेयर बना लेते हैं। ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, एक झिल्ली कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, जिसे हम कोशा द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के बीच में एक हल्की पट्टी लगी होती है, जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, और गाढ़ी पट्टी का जो धब्बा दिखाई देता है, इसे हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन मिलाकर के ही क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। इस प्रकार से
इसके अंदर एक और डार्क संरचना पाई जा सकती है जिसे वन बार बॉडी कहते हैं। इस प्रकार से बार बॉडी का स्ट्रक्चर है। आइए इसके कुछ संक्षिप्त रूप आपको बताते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है। एक सामान्य स्त्री में केवल एक बार काय होती है, एक सामान्य स्त्री में केवल एक बार काय होती है, एक ही बार बॉडी होती है। टर्नर सिंड्रोम मादा में कोई भी बार काय नहीं होता है, और जो टर्नर सिंड्रोम मादा होते हैं उसमें कोई बार काय नहीं होता है। क्लाइफेल्टर्स सिंड्रोम नर में एक बार काय उपस्थित होता है, जो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होते हैं नर के उसमें ये बार काय स्थित होता है। इस प्रकार से बार काय का प्रयोग सर्वप्रथम यूट्रस में संतान का लिंग निर्धारण करने में सहायक होता है, और अनियमित लिंग गुणसूत्र वाले व्यक्तियों में बार काय का प्रयोग जीनी संरचना के निर्धारण में किया जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में एक से अधिक यक्ष गुणसूत्र बार काय में परिवर्तित हो जाते हैं। थैंक यू।